बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज हमारी जो को होस्ट है किन्हा नियाज़ी, वो आज कुछ निजी मसरूफियत के बायस अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए होस्टिंग मैं आज अकेला ही करूँगा। इस वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो आज बड़ा एक और इम्पोर्टेंट मैच खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका वर्सेज बांग्लादेश, उस हवाले से हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो कंटिन्यूसली 3 डिफीट हुई है, उससे पूरी नेशन काफ़ी ज़्यादा मायूस भी है, गुस्से का भी उनके अंदर एलिमेंट पाया जा रहा है। और क्योंकि ओबियसली ये बनता भी है, क्योंकि जब आप अपने हीरोज़ को वैल्यू करते हैं, उनकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, इनको सुपरस्टार बनाया जाता है, और ये इसी तरह इनको समहाउ हम रिलेट करते हैं, जो सोल्जर्स हमारे बॉर्डर पर जा के लड़ रहे हैं, इनको भी उसी तरह हम वैल्यू करते हैं, इसी तरह हम इनको हीरोज़ मानते हैं। बट अगर वो आपकी ऐसी जगह पे जाके, जैसे भारत में जो वर्ल्ड कप होना था और आपकी प्रिपरेशन होती है 4 साल के लिए, अगर जाके ऐसी मायूस कुन परफॉर्मेंस देंगे, तो ओबियसली ये तमाम जो नेशन है उसको लेट डाउन करने वाली बात है, वो उनको डेंट करती है, उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है। तो ओबियसली जब आप डिसअपॉइंटेड होते हो तो ओबियसली आपका रिएक्शन भी बड़ा स्वेयर आता है, और काफ़ी ज़्यादा ये कौम भी इस टाइम पे मायूस है, क्योंकि ये एक वाहि स्पोर्ट है जो पूरी नेशन को यूनाइट करती है, उनको साथ ले कर चलती है, उनको प्लेयर प्रोवाइड करती है। तो मेरा ख्याल है कि जो कमियां कोताहियां हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है, और अभी तो ओबियसली आपके पास वर्ल्ड कप में कोई मार्जिन ही नहीं रह गया कि आप कुछ और आगे से गलती किसी तरह भी कर सके। बट एनीवेज, इस पर हम आज भी कुछ कोशिश करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करते रहें अपने लेजेंड्स के साथ। हमें दोनों लेजेंड्स जो आप सब जानते हैं हमारे वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन का परमानेंट मेम्बर है, हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों के राजा, वन एंड ओनली रमीज़ हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमें स्टूडियो में डेली ज्वाइन करते हैं द लेजेंड द सुपरस्टार आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक, रात को नींद आई? जाती इतनी लेट है तो फिर नहीं तो जाएगी। नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये जो इतनी बड़ी डिफीट ही कहना चाहिए, क्योंकि बड़ा ईजिली मैच जीता उन्होंने, उसके बाद पूरी कौम जो है वो बड़ी मायूस है, डिजेक्टेड है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप इस तरह की एफर्ट करेंगे, जो हर डिपार्टमेंट में आप नीचे चलते, कंटिन्यूसली नीचे जाते जा रहे हैं, और किसी जगह पे इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही, तो इस कौम का मायूस होना बनता है फिर। डेफिनेटली बनता है, क्योंकि एक ही स्पोर्ट्स है, जैसे आपने कहा क्रिकेट, जिसको जिसके ऊपर हम प्राउड फील कर सकते हैं, और तो मेरा ख्याल कोई चीज़ बची नहीं, बची नहीं। और उसकी रीजन्स हैं, जैसे क्रिकेट क्यों अभी तक बची हुई है या बच सकती है अगर इसकी प्लानिंग कर ले, क्योंकि ये गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेते, ये कोई ये नहीं, जो लोग अभी गलत गालियां भी इनको देने का, हमारे टैक्स के पैसों से ये ये फीस होती है, ऐसा नहीं है। क्रिकेट बोर्ड खुद से कमाता है, और आई थिंक वाहद एक ही अदारा रह गया कि जो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल है। लेकिन इसमें पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस है वो इसको ले डूबेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो हेड है उसकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी सिस्टम है उसको एक तो इंटैक्ट रखे, एक उसकी डायरेक्शन सही हो, और जो लोग हैं वहाँ पे इस तरह के लोग हों जो कि पॉजिटिव रिजल्ट लाएं और एक सिस्टम को चलाएं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो मजाक हुआ है अब, आप आज का खेल का मजाक तो कल हमने देखा, जो क्रिकेट बोर्ड का मजाक जो चल रहा है पिछले 1.5 साल से, कई सालों से जी, बल्कि कई सालों से, उस मजाक ने कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होना था। बिल्कुल ऐसे, ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप एक दिन आप आए हैं, मैं यहाँ शो करने आता हूँ, आज आप हैं तो कल मैं हूँ तो कोई और बंदा बैठा हो, प्लानिंग मैंने आपके साथ की हो, जी जी जी, तो ये तो नहीं फिर चल सकता काम। ICC वाले आज तंग आ चुके हैं, वो कहते हैं भाई आपसे बात ही नहीं करनी। एक आता है वो कुछ कह के जाता है, अगले महीने 2 महीने बाद दूसरा आ जाता है। तो आके भाई, ये जो कंट्री की टर्बुलेंस की भी हमने बात की, ये सम हाउ वही ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपका आता है, वो नीचे तक आपका पेनिट्रेट करता है। ये तो पढ़ी लिखी बात है। आप ओलंपिक्स के स्टैट्स ले ले, आपको पता चल जाएगा कौन सा मुल्क जो है ना प्रोग्रेस कर रहा है और कौन किसका बेड़ा गर्क हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह ये आपकी स्पोर्ट्स है, क्योंकि स्पोर्ट्स लीस्ट प्रायोरिटी होती है मुआशरे के अंदर। जी, जब क्योस हो, अभी भी किसी ने एक साफ ही मुझे बता रहा था, उसने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि प्राइम मिनिस्टर देख ये क्या क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो, कहता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, क्रिकेट क्रिकेट भी भाई। तो इसका मकसद ये होता है कि जब आपकी स्पोर्ट्स फ्लरिश करना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप आपके बाकी मामला जो है वो
ठीक हो चुके और फिर आप स्पोर्ट्स की तरफ जैसे 90s की बात करें कि हम चार स्पोर्ट्स में स्टेबल थे और चार हमने देखा कि स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन बने, हॉकी, स्क्वाश में, क्रिकेट में और स्नूकर में। तो ये आपकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। थोड़ा सा रमेश भाई की तरफ भी बढ़ते हैं। रमेश भाई, हमने देखा कि कल भी हमने थोड़ी बात की, आज फिर इस पर थोड़ी सी, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो रही हमसे ये इतनी बड़ी डिफीट, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप दोनों नज़र्स का हम एनालिसिस भी लेते रहें। जब टीमें 350 की पिच होती हैं तो उससे ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, हम 300 करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अगर वो बॉलिंग को हम 300 का टारगेट देते हैं, 350 का देना वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो डिफीट को रोकने के लिए 260-270 की नहीं ट्राई करते। हालांकि पास में हमें ये बॉलर्स ही मैच जिताते रहे, ये ऐसा क्या हो गया है कि पूरी की पूरी टीम हर शोबे में कोलैप्स करना शुरू हो गई? देखिए, डिप्रेसिंग है और पाकिस्तान को अब चैलेंज है एग्जिस्टेंस का वर्ल्ड लेवल के ऊपर, और खास तौर में भारत में जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो फिर आपकी तैयारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। और देखिए, तैयारी क्या है, स्किल लेवल के ऊपर तो चले मान लिया हम पीछे, मगर मेंटल एतबार से भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, और फिर टेक्टिकल एतबार से भी, और फील्डिंग हमारी बहुत खराब चल रही है, यानी कि वर्स्ट फील्डिंग एफर्ट है। बहुत देर के बाद मैंने पाकिस्तान को ऐसे फील्ड में गिरते देखा। कोशिश कर रहे होंगे, आई एम श्योर करते हैं, हर कोई करता है। वर्ल्ड कप में कोई ये नहीं चाहता कि इस तरह के मैचेस वो हारे, जबकि आपको पता है कि अफगानिस्तान से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है, मगर वजह तो है हारने की। और वही बात है कि निक नहीं कर सक रहे हैं परफॉर्मेंस को, और फिर एक तरह से जो आपने टैलेंट सेलेक्ट किया है वो भी वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक्सपोज हो रहा है, स्टार्ट्स मिलते हैं, आउट हो जाते हैं, ऐसी परफॉर्मेंस से आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। ये बड़ी बेसिक मिस्टेक है जो कि ऑलमोस्ट एसोसिएट मेंबर्स ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। नेदरलैंड से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इवन अफगानिस्तान से कर सकते हैं, या बांग्लादेश से, जो श्रीलंका से कर सकते हैं कि चलो जी 40 कर लिया, अब हमें चांस मिलेगा क्योंकि इसने वैसे ही आउट हो जाना है। मगर पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और इसके ऊपर पता है कि ये प्रॉब्लम है, पता है कि मिकी आर्थर ने ओपनली कहा है कि मैं ओपनर को चाहता हूं मेरे के 50 के बाद 100 करें। तो वो एक वो विल डिटर्मिनेशन जो भी आप बात कर रहे हैं उसमें हर जगह में मार खा रहे हैं, और ये एक मैसिव हमारे लिए वेकअप कॉल है कि हमारा सिस्टम ठीक होने वाला है, हमारी अप्रोच ठीक होने वाली है, हमारा फ्यूचर जो है क्या वो सिक्योर है या नहीं है, क्या हम फ्यूचर में भी ऐसी मार खाते रहेंगे, क्यों हम ब्रिलियंस नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्ले के साथ, क्यों हम बॉल के साथ नए सुपरस्टार्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और जो है भी वो भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि जब तक नए बॉल पे आउट नहीं करेंगे या रिजल्ट नहीं रोकेंगे तब तक प्रेशर कैसे क्रिएट करेंगे। अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेला, देखिए ये कहना गलत है कि पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस ठीक नहीं की, बिल्कुल बहुत हद तक ये सही बात है, मगर अफगानिस्तान से आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने कामनेस के साथ एक बहुत बड़ा रन चेज कर दिया। अच्छा रमेश भाई, एक और चीज़ कैप्टनसी के हवाले से जानना चाहेंगे। मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंस जो चीज़ रखती है वो गेम अवेयरनेस है, और कैप्टन की गेम अवेयरनेस, गेम सेंस सबसे इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, अपने 10 प्लेयर से भी, और ओबियसली जब आप ओपोजिशन की तरफ चलते हैं तो उनके 11 प्लेयर से भी आप आगे अगर एक कदम सोच रहे हैं, एक हेड स्टेप चल रहे हैं तो आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज़ तो आपको वो काउंटर कर जाएंगे और फिर आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। जैसे हम खान साहब की एग्जांपल देते हैं, एमएस धोनी की अभी एग्जांपल हम देते हैं कि एक डेकेड में किस तरह की खूबसूरत उसने कप्तानी की, रिकी पोंटिंग की एग्जांपल है। तो ये बाबर की अगर बात करते हैं तो चेज़ करने में वो नाकाम रहते हैं, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया के खिलाफ आपने 50 बनाया, आपने बड़ा टोटल नहीं बनाया, आप आउट हो गए। कल हम अफगानिस्तान की टीम थी, हम सोच रहे थे कि आप 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और जब आपको एक्सेलरेट करना था, बड़ा टोटल लगाना था, कहीं 325 से ऊपर जाना था, आपने अपनी विकेट थ्रो दे दी। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये बाबर पे कितना ऑनस आता है एज ए गेम सेंस और एज ए कैप्टन, ये उसको भी कितना डेंट कर रही है और पाकिस्तानी टीम को उसकी कप्तानी कितना डेंट कर रही है? जी, कप्तानी में बहुत कसर थी मैं मानूंगा, इसलिए कि मैं भी ये कमेंट्री करते हुए फील कर रहा था कि गलत मूव्स कर रहे हैं पाकिस्तान, और फिर यही नहीं है कि बाबर आजम अकेले ये गलती कर रहे थे, बल्कि जो सीनियर लॉट था, जब भी हडल के बाद कोई भी बॉलिंग चेंज होती थी वो गलत हो रही थी, और मुझे ऐसे लगा कि पाकिस्तान को एंड गेम की ज्यादा फिक्र थी, जो उस वक्त की सिचुएशन पे काबू पाने के लिए बहुत ही नरम गरम सी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि आउट नहीं करने अगर आप करेंगे तो फिर 280 तो कर गए थे वो, 6 एंड ओवर शुरू से उससे कम चाहिए था, तो आपको 5 एंड ओवर या 5.25 एंड ओवर
तो आप स्कोर नहीं रोक सकते हैं। अगर आउट करेंगे तभी आप प्रेशर अफगानिस्तान पर डालेंगे ना, क्योंकि वो तो आपके खिलाफ जीते ही नहीं है। सो आउट करने के टैक्टिक्स क्या थे, कैसे आउट करना था? रिदम किल करना था, छह बॉल तो एक जगह हो नहीं रहे थे, तो आप फील्ड के साथ ही कुछ थोड़ी बहुत कप्तानी कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे, बॉलिंग चेंजेस के थ्रू आप प्रेशर डाल सकते थे। जब भी पार्टनरशिप लगती है उसका असूल यही है कि आप चेंजेस करें, क्योंकि आप सेट ना होने दें एक पेस के ऊपर बल्लेबाजों को। और बहुत सारी भी है, स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बहुत ही ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसी तरह से पेस जो है, जब तक, और मैं समझ रहा था कि रिवर्स होगा और हसन अली ने थोड़ी सी उसकी ग्लिम्प्स दिखाई, मगर दूसरे एंड से फिर स्पिनर लगा दिए। अच्छा रमीज भाई, एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहेंगे, जब फील्ड प्लेसिंग की बात हो रही थी कप्तानी की, तो हम बात कर रहे हैं तो फील्ड प्लेसिंग के हवाले से ये था कि जब थोड़ा सा हमें हिट मिला रिवर्स स्विंग होने का, तो बाबर आजम को देखा कि उन्होंने स्पिनर लगा दिए। इसी तरह शुरू में जब बॉलर्स आपके वेवर्ड बॉलिंग कर रहे थे, तो आपने कोई फील्डर एक बाहर लेना था कवर पॉइंट की तरफ, उधर बेतहाशा चौके लगे। इस पर कमेंटेटर ने भी उनकी कप्तानी पर कहा, खासतौर पर माइकल थर्टन का, कहेंगे ये जो डिसीजन कर रहा है ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा, उन्होंने साम हाउ रेडिकल किया इनकी कप्तानी को। आप भी कमेंट्री बॉक्स का पार्ट थे, ये जो कमेंटेटर बात कर रहे थे बाबर के ऊपर या उसकी स्ट्रेंज डिसीजन के ऊपर, उस हवाले से कुछ शेयर करना चाहेगा? सारे फील करते हैं कि ये इनको अपनी कप्तानी के ऊपर बहुत काम करना है, क्योंकि ये जो, जब मैं भी खेलता था ना तो मैं बड़ा कतराता था कि मेरा कमेंटेटर से बात करने का क्या फायदा है, मुझे तो अपनी बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मैं स्कोर करूंगा, मेरी तारीफें करेंगे। मगर ऐसा नहीं होता है। आई थिंक बड़े ग्रेट माइंड्स होते हैं कॉमेंट्री बॉक्स में, जिन्होंने क्रिकेट खेली होती है, उनकी अलग निगाह होती है और किस तरह से आपको आगे निकलना है। सो मैं चाहूंगा कि बाबर आजम जो है वो बात करें, बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे आए हुए हैं, बैठ के टाइम लें और कप्तानी के बारे में वो अपना सेशन लगाएं, क्योंकि कई दफा आप उस बबल में जकड़े जाते हैं कि जहां से फिर आप फ्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एडवाइस भी आपको इस तरह की मिल रही होती है। तो मैं समझता हूं कि रीच आउट करना चाहिए बाबर आजम को, क्योंकि अब नाउ और नेवर की सिचुएशन हो गई है, और बुरी बात नहीं होगी अगर आप फंस गए हैं तो आपको जरूर आउटसाइड हेल्प लेने की जरूरत होनी चाहिए और इसकी चाह होनी चाहिए, क्योंकि हर एक का काम यह है कि बेहतर से बेहतर वो अपने आप को करे, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो। सो आपको हेल्प लेने से कतराना नहीं चाहिए, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। ये ऐसा नहीं है कि जगह लेना चाह रहे हैं, या आप हारेंगे तो क्रिटिसिज्म होगा और उसके लिए तैयार होना चाहिए आपको, और अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप हेल्प सीक करें। बिल्कुल आके भाई, जिस तरह रमीज भाई से हमने कप्तानी के हवाले से बात की, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाबर आजम की देखी और उस पर भी 80% क्वेश्चन उनकी कप्तानी के हवाले से था, और उन्होंने कहा जी मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर उन पे प्रेशर नहीं है तो फिर किस पे प्रेशर है, और कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और जो तीन चार चीज़ें मैंने जैसे रमीज भाई से पूछे, सही हम आपसे जानना चाहेंगे कि कभी आपको फील्ड प्लेसिंग का नहीं पता चलता, कभी किस बॉलर को किस जगह पर यूटिलाइज़ करना है, बॉल रिवर्स स्विंग हो रही है तो आपने स्पिनर को लगा देना, और इसी तरह अपने जो टोटल है 70 या कुछ को लंबा ना लेके जाना, अब्दुल्ला शफीक का विकेट को थ्रो कर देना, रिजवान की जिबो गरीब शॉट जो अपने क्रिकेट में नहीं नज़र आती इस तरह की शॉट, ये सीनियर प्रो के तौर पे खेलना कैसे, खासतौर पे बाबर के हवाले से मैं पहले मेनली जानना चाहूँगा। देखिए बाबर जब से कप्तान बने हैं पैचेस में चीज़ें बेहतर भी हुई, बट वो जो एक इम्पेक्ट होता है कैप्टन का, उस तरह कप्तान वो बन नहीं पाए। कप्तान जिस तरह से अगर पाकिस्तान में भी देखें तो खान साहब थे, उसके बाद मियांदाद था या वसीम था, या इवन इंजमाम ने भी एक अरसे एक टीम को कंट्रोल किया परफॉर्मेंस से। सरफराज ने बड़ी सरफराज ने कप्तानी की, ये आपकी जो क्रिकेट असल में बेड़ा गरक हुआ है सरफराज को हटाने से, वो सरफराज जब सब कुछ चीज़ें ठीक हो रही थी और उसको हटाया था, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल बाबर को चाहिए क्या था, बाबर को चाहिए था कि कप्तान एक विजन लेके चलता है, कि अगर फॉर इंस्टेंस अभी की बात करें वो दोस्त लेके चले, अभी किसी ने ये कोई सोच रहा है कि ये तो हो गया क्योस, ऑस्ट्रेलिया में आपने सीरीज खेलनी, वो खेलोगे कैसे? आपके 7-8 महीने रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप में, उसकी कहाँ प्लानिंग है? तो ये आपने डे टू डे अफेयर्स नहीं होती कप्तानी, कप्तानी एक विजन है। आप सोचते हो कि मुझे ये इस वर्ल्ड कप से पहले, जब ये ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारे थे T20 का, तो वहाँ पे इनको सोचना था कि अब हमने फोकस करना है कि हमने वर्ल्ड कप खेलना कैसे, फिर आपने ये देखना है कि मेरी बॉलिंग की कंपोजिशन क्या होगी, कौन सी मेरी ऑप्शंस हैं,
तभी से ये शाहीन के ऊपर फोकस करते, हारिस के ऊपर करते, नसीम शाह के ऊपर करते, ये तीन बॉलर है तो चौथा कौन है, पांचवा कौन है, छठा कौन है? जी ऐसे ही है, ये अपने रिसोर्सेज, यस, बेंच स्ट्रेंथ किसने बनाना? फिर उनको आप लेके चलते, शाहीन से बात करते, देख आप इंपॉर्टेंट मैचेस खेलोगे, आप एशिया कप खेलोगे और फिर आप वर्ल्ड कप खेलोगे, इस दौरान आप कोई ना सीरीज खेलोगे, ना कोई लीग खेलोगे। ये तो कैप्टन ने कोई लीग नहीं छोड़ी, ठीक है? तो सोच क्या है अब, ये देख एक टीम है, क्रिकेट बोर्ड है और एक टीम है, टीम मैनेजमेंट है जी। मुझे ये बता दे, क्रिकेट बोर्ड में तो है ही कोई नहीं ना, चेयरमैन ही नहीं है, उसको तो ना कोई मानता है, वो आते हैं जाते हैं, वो तो बिल्कुल ही फारग है। उसके बाद आ गई आपकी एक टीम मैनेजमेंट है, जिसमें एक मैनेजर होता है, मैनेजर इज लाइक ए फादर फिगर, द कैप्टन ऑफ द शिप, जिसको जिसकी सारे सब बात सबको सुननी है, ठीक है? उसने डिसिप्लिन लेके आना है, उसने एट टाइम्स कप्तान को, प्लेयर्स को, उनको भी इस इवन के हेड कोच को बुला के बिठा के कर सकते हैं कि जा किधर रहे, वो क्या रहा है ये? मुझे पता है मैनेजर कौन है पाकिस्तान टीम का मैनेजर? बताया ना कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड है, क्या उनमें ऐसी वो काबिलियत है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल वर्ल्ड कप की एक टीम को उस लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट कर सके, मैनेज कर सके? नो, ये तो आके भाई बड़ा, ये तो देखे ना, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म। और दूसरा आप ये देखिए कि आपका जो हेड कोच है, डायरेक्टर, डायरेक्टर अब वो ऑनलाइन कोचिंग करता है, दुनिया में आज तक क्रिकेट में तो नहीं हुआ ऐसा ही, ये कारनामा भी हमने सर अंजाम दिया, वो मौजूद नहीं है जब प्लान हो रहा होता है। क्या भाई, मैं ब्रेक से जाने से पहले ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि सारे राइट्स जितने थे हम सबको ब्लेम करते हैं, बट ये अथॉरिटी जो मेन थी वो बाबर को मिली हुई थी टीम बनाने की। एक एक प्लेयर चार साल से हमने देखा कि इनकी मर्जी से खेला, जब भी कोई इवेंट हुआ, कुछ भी हुआ, चाहे कोई भी बोर्ड आया, कोई भी चेयरमैन आया, इन्होंने एक एक प्लेयर अपनी मर्जी से खिलाया, इनको एम्पावर किया गया, तो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज्यादा इनकी नहीं बनती, तो बनती ही कप्तान की है। लेकिन कप्तान के साथ जो लोग हैं वो इस काबिल तो हो कि वो एक लॉजिक को, इन लॉजिक को आइडेंटिफाई तो कर पाए। यस, आप एम्पावरमेंट देना मतलब आसान भी बहुत है जी, और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल भी बहुत है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टे विद अस। Once again, welcome back. World Cup game उठा दो में, और टॉस हो चुका है जी, साउथ अफ्रीका has decided to bat first, टॉस उन्होंने जीता। आके भाई कैसे डिसीजन को देखते हैं, 400 आज फिर नजर आ रहा है on the board? वही साउथ अफ्रीका ने जी बाजी लो आ रहे हैं शुरू हो जाए, ऐसे बहुत स्टैंड आउट किस्म की, एक डिफरेंट लेवल की क्रिकेट खेलना शुरू हो गई। थोड़ा सा मैं स्टैट्स भी अगर आपसे शेयर करना चाहें, दोनों टीमें अभी तक 24 मैच खेली हैं हेड टू हेड, अगर बात करें ODI में 18 दफ़ा विक्टोरियस रही साउथ अफ्रीका, 6 दफ़ा बांग्लादेश जीती, बट अभी रिसेंटली बांग्लादेश इनसे जीती भी है। अब वर्ल्ड कप की पॉजिटिव की बात करें तो 4 दफ़ा खेली, 2 दफ़ा बांग्लादेश जीती, 2 दफ़ा साउथ अफ्रीका जीती। अच्छी चीज़ ये है कि इंग्लैंड में भी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को हराया था, तो ये चोकर्स तो हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं गलत। तो क्या पॉजिटिव आप देखते हैं बांग्लादेश के लिए इस मैच पे? इनको अच्छा है कि जो नेदरलैंड से ये हार गए थे, तो हम ये अगर ये देखें, एक लीडर, एक कप्तान नजर आया कि उसने एक चीज को रियलाइज किया एंड दे आर हर्ट। ऐसा नहीं है कि आप अफगानिस्तान से हार के तो कप्तान कह रहा है कि नहीं बाकी तो ठीक था, बॉलिंग और फील्डिंग खराब थी। सही, बिल्कुल ठीक। यू पुट योर सेल्फ इन फ्रंट, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी स्कोर ही करने है, ऐसा ही तो बात भी करनी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, मीडिया को फेस करना है, यू हैव टू सेव योर टीम, और जो गलती है उसको मान के चलना चाहिए जी, उसमें से ये नहीं देखना कि ब्लेम गेम। तो इनके लिए अच्छा हो गया, ये हर्ट हुए, रियलाइज किया इन्होंने, बहुमा इसीलिए उन्होंने कहा जरा ठहर रेस्ट करें, आप रेस्ट करें जरा, अब एक दफा हो सकता हम भी जीत ही जाएं। जिस तरह की उनकी बॉलिंग बैटिंग एक बैलेंस बना हुआ है, अगर रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिया के बाद
या इंडिया के मुकाबले की गेम, मुझे तो वैसे इंडिया से भी बेहतर क्रिकेट खेलती नजर आ रही है ये चीज। उसमें यह है कि थोड़ा सा इंडिया को एडवांटेज ये है कि अगर कोई मुश्किल भी पिच आ गई तो उधर भी सर्वाइव कर जाएंगे जी। और जो कॉन्फिडेंस का लेवल एक एक प्लेयर के अंदर है, क्योंकि वो आईपीएल के एक्सपोजर, वो जब आप एक टीम को लीड करते हैं, चार पांच कप्तान हैं, चार पांच ऐसे हैं कि जो लीडर्स हैं, जब आपके 11 लीडर्स बन जाए एक टीम के अंदर, तो वो टीम फिर हारती नहीं है और वो कई साल तक वो फिर जीतती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो ये एक डाउट साउथ अफ्रीकन टीम के अंदर जो है ना, वो लोग अंदर से खुश नहीं होते जब बुमा आके टॉस करके पेप टॉक करने की कोशिश करता है, तो देयर इज समथिंग व्हिच इज लाइक, वो थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो वो कहते हैं कि यार हमारा तो कप्तान ही ठीक नहीं है। हाँ, एक कप्तान के ऊपर जरा रमेश भाई आपका ओपिनियन भी ले लेते हैं। अभी आके भाई से भी बात कर रहा था मैं ब्रेक से पहले, टॉस हो चुका है, इस पर भी मैं आपसे बात करता हूँ। ये थोड़ा कप्तानी के हवाले से ये जानना चाहेंगे, कप्तान की नाकामी की रीज़न बड़ी है काफ़ी इसमें नज़र आ रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई कि जो डिसीजन है जो कप्तान कमोडिटी नहीं है, आप बाबर आजम से पूछा गया और सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है। मैं आई पर्सनली फील कि शायद वर्ल्ड कप में ये हमें बात नहीं करनी चाहिए, जो भी वो कर रहे हैं आप जैसे भी करते हैं ये डिस्कशन वर्ल्ड कप के बाद होनी चाहिए। बट ओबियसली हमारा क्योंकि कंट्री जब हर्ट होती है तो सारे क्वेश्चन भी खड़े होते हैं, आपसे बात भी की जाती है, तो कैसे देखते हैं कि बाबर आजम को क्या कप्तान रहना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए अभी बहुत जल्दी है इरफान, आपने खुद ही बात कर ली, वर्ल्ड कप में देखें दिल टूटे हुए हैं और दिल जख्मी हैं। मैं भी बहुत क्रिकेट खेला हूं और बहुत ऐसे 87 में वर्ल्ड कप में जब हम हारे थे तो मतलब मेरा वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, मगर क्योंकि हम फाइट करके आ रहे थे तो इसलिए लोग जो थे वो खुश थे, बेइंतहा लोग रोए भी थे। मुझे याद है मेन गेट स्टेडियम से बाहर जो थी खवातीन खास तौर पे धाड़े मार के रो रही थी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी। सो आपका दिल टूटता है तो जब तो फिर आपको हाथ हल्का रखना चाहिए। मैं समझता हूँ थोड़ा सा पॉज लेके और फिर इन चीजों के ऊपर आप बात कर सकते हैं। वर्ल्ड कप के बाद ही बात करेंगे कि क्या आगे किस तरह से चलना है, बिकॉज अभी तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि आगे होने क्या वाला है रिगार्डिंग क्रिकेट अफेयर्स, रिगार्डिंग क्रिकेट टीम, रिगार्डिंग नया टैलेंट, रिगार्डिंग आपके क्या प्लान्स हैं कि आप इस क्रिकेट को कैसे रीबूट करेंगे, सिचुएशन कैसे आप इसको ठीक करेंगे, सिचुएशन खराब कैसे होती है उसकी जड़ तक कैसे पहुंचेंगे, और फिर रूथलेस एक तरह से डाइसेक्शन करें जहां पे पता हो कि जी ये चार चीजें तो ठीक है मगर ये 8 चीजें गलत हो रही हैं, और फिर उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। सो आपकी कोचिंग से लेके मेंटोरिंग से लेके आपके सिस्टम, आपकी फर्स्ट क्लास आप ले लें, आपके अंडर 19 ले लें, क्योंकि जो नई खेप है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है सबसे ज्यादा। इसीलिए मैं दोबारा से अपने आप को रिपीट करता हूँ कि जो पाकिस्तान जूनियर लीग का प्रोग्राम था वो इन्हीं सारी चीजों को सामने रख के किया गया था कि कोई वैक्यूम, कोई ऐसी जगह ना क्रिएट हो, ऐसी कमी ना आ जाए सिस्टम में कि जहां पे आप बिल्कुल नीचे चले जाएं और फिर आपको समझना है कि अब नया टैलेंट आएगा कैसे, क्योंकि जो नया टैलेंट पाकिस्तान में आता है वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर बहुत पीछे स्टार्ट करता है कंपेयर टू एन ऑस्ट्रेलियन, टू अ साउथ अफ्रीकन, टू एन इंग्लिश, तो ये टू एन इंडियन। तो अगर इंडिया इस चीज को ठीक कर सकता है और अपनी ब्रिलियंस दिखा रहे हैं वो, और मतलब है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को अब इंडियन फास्ट बॉलर से सीखना है, इस तरह से टेबल्स टर्न की उन्होंने, तो ये चीजें ठीक हुई हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं ना, ये जो एक्सीलेंस अचीव की है इसमें हार्डवर्क भी और कॉमन सेंस भी है और फिर सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ये ग्रेटनेस। तो हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए आपको एक ऐसा बोर्ड चाहिए जहां पे कामनेस हो, जहां पे टर्बुलेंस ना हो, जहां पे आप डिसीजन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अच्छा मैं भाई बैटिंग की बात की, ओबियसली एक माइंड सेट है, गेम सेंस होती है, और जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें तो उसकी प्राइम एग्जांपल क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेल रहा है। अब अगर हम अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें, हमारी टेंडेंसी जो देखा जाए, हमें लास्ट 3-4 डेकेड से बॉलिंग ने मैच जिताया और इसी टीम ने, यही बॉलिंग लाइन 1-1.5 मंथ पहले दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी और मैच जिता रही थी इसी टोटल के साथ। अब क्या ऐसा सडनली ये कोलैप्स आ गया, क्या माइंड सेट चेंज हो गया, क्या हो गया कि सारी बॉलिंग करना भूल गए, इस हवाले से कैसे देखते हैं? देखें अब आपके मार्जिन जो है ना वो स्क्वीज होते चले जा रहे हैं क्योंकि अगले जो है वो तुले हुए हैं आपकी धुनाई करने के लिए। सो जब ये बॉलिंग के ऊपर ये प्रेशर पड़ जाए ना कि आपका मार्जिन ही नहीं है गलत बॉल करने का, उसका प्रेशर ही अलग हो जाता है जी। तो इसीलिए जब शायद आफरीदी बल्लेबाजी करने आते थे तो वो प्रेशर में ऑपोजिशन आ जाती थी ना कि आप अच्छा बॉल भी करेंगे तो वो अटेम्प्ट करेंगे छक्का लगाने की,
तो इससे सिनेरियो बदल जाता है। तो अब हुआ यही है कि अब बख्शिश नहीं है, अब कोई आपका लिहाज करने वाला नहीं है। तो आपकी अगर इन पिचेस के ऊपर लाइन और डायरेक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि आपको स्विंग तो मिल नहीं रही है ज्यादा इवन नए बॉल के साथ, तो आप जकड़े जाते हैं, आप एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी गेंद आगे करके आपने आउट किए, यहाँ गेंद आगे करते हैं तो अगला छक्का मार देता है क्योंकि पिचेस बहुत अच्छी है। सो कंफ्यूजन है, क्योंकि जब बैकअप लेंथ आप बॉल करते हैं तो आउट नहीं करते हैं, बैकअप लेंथ जब बॉल करते हैं तो विकेटों में नहीं करते हैं, उसमें भी रन पड़ रहे हैं, अगले बॉल पे भी रन पड़ रहे हैं, बाउंसर भी तेज नहीं जा रहा है, तो आप फिर जकड़े जाते हैं और फिर नेगेटिविटी में फंस जाते हैं। और नेगेटिविटी में फंसी हुई है ये फास्ट बॉलिंग, क्योंकि देखे ना हारिस राव दिल लगा के बॉल करते हैं, बहुत बेहतरीन उनका एटीट्यूड है, सब चीजें हैं, मगर एंड रिजल्ट उनको वो नहीं मिल रहा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो यॉर्कर भी ज्यादा नहीं लग रहे हैं, इसी तरह से स्लोअर बॉल जो है वो पाकिस्तान कम कर रहे हैं पिचेस पे, फिर उसके बाद आपके एंगल्स जो वेरी करते हैं, फिर फील्ड सेट ठीक नहीं है, आसानी से सिंगल्स हम देते हैं। हालांकि बाबर आजम ने कोशिश की है मिड ऑफ और मिड ऑन को ऊपर रख के अटैक करने की, मगर कवर ने इतनी आसानी से आज मेरे ख्याल में कोई 100 रन तो ऐसी सिंगल से हुए हैं जहां पे अगर आप एक बंदा ले आते ऊपर लेग स्पिनर के अगेंस्ट तो शायद उनको ऊंची हिट मारनी पड़ जाती और चांस है ना। तो कई जगह आपको फील्डिंग के थ्रू भी आप प्रेशर डाल सकते हैं, अगले अब माफ करने वाले नहीं है, इसलिए हमारी बॉलिंग जो है वो प्रेशर में है। बिल्कुल, ये सारे लूप होल है और हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं। रमीज भाई, आपसे आज के मैच के वाले से भी जाना चाहेंगे, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका जो ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है वो सबसे बेहतरीन मॉडर्न क्रिकेट है। आज बांग्लादेश से उनका मैच है, टॉस जीत के वो बैटिंग का फैसला किया है, आज के मुकाबले को कैसे देखते हैं, मुंबई में खेला जा रही है? देखिए, एक तो गर्मी बड़ी है मुंबई में, सो पहले तो ये देखना है आपने कि करना क्या है। अगर आप टॉस जीतते हैं तो आप मेरे ख्याल से आपको खुद बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकेंड टाइम में तो हिम्मत ही नहीं होती है। जो मुझे माइकल एथरटन बता रहे थे कि इंग्लैंड की टीम तो वहीं फील्ड के बाद ही बस हो गई थी उनकी, क्योंकि बहुत ज्यादा हब्स और गर्मी थी। लास्ट के चार मैचों में से तीन मैच जो है वो बांग्लादेश ने जीते हैं, इंक्लूडिंग ओडीआई सीरीज जो बांग्लादेश में हुई थी वो 2-1 से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीते हुए। सो एक बहुत बड़ा ये एक रेफरेंस पॉइंट जो मैं कहता हूँ, जो कि डगआउट में इस्तेमाल किया जा सकता है अपने आप को उठाने के लिए, वो यही है कि ये बीटेबल साइड है। और हमें भी पता है कि साउथ अफ्रीका ऑन द डे स्लिप कर सकते हैं, मगर जिस हिसाब से वो धुनाई कर रहे हैं और बांग्लादेश के बॉलर जो है वो अंडर प्रेशर फिर से आएंगे, क्या रिपीट परफॉर्मेंस वहां पे वेंकटे में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अभी भी गर्मी और हब से डरे हुए होंगे, ये सिर्फ देखना है कि मौसम के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस होती है साउथ अफ्रीका की। मगर बांग्लादेश देखें, हर टीम जो है वो अब कोशिश करेगी, क्योंकि हम अब जो है ना बिजनेस एंड पे आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के, तो बांग्लादेश को भी आइडिया है कि चोक कर सकता है साउथ अफ्रीका, क्योंकि अगर नेदरलैंड हरा सकती है तो बांग्लादेश क्यों नहीं हरा सकती। बिल्कुल अगर भाई, ये जैसे रमीज भाई ने भी कहा कि पॉजिटिव उनके पास हैं, चार में से तीन मैच वो लास्ट जीते हैं, वर्ल्ड कप में हराया हुआ है, और जैसा मार्करम ने भी कहा कि हर मैच बड़ा क्रूशल और कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, इस वर्ल्ड कप में सब कुछ हो रहा है, तो ये क्या अब अप्रोच होनी चाहिए? टॉस तो बांग्लादेश हार चुके हैं, आपके ख्याल में क्या टोटल वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे? जैसे कल अफगानिस्तान के कैप्टन ने कहा कि 250-260 वुड बी द चेजेबल टारगेट, थोड़ा सा ऊपर गया उन्होंने, मैनेज कर लिया, तो आपके ख्याल में क्या अप्रोच उनके पार्ट पर हो सकती है? देखिए, वो उनको बांग्लादेश में हरा देते हैं साउथ अफ्रीका को, वो लो बाउंस रखते हैं पिचेस अपनी, और वहाँ पे जो फास्ट बॉलर्स है वो बिल्कुल ही यूजलेस हो जाते हैं, और जो आप हिट मारने के लिए आपको एक बाउंस चाहिए, जो साउथ अफ्रीकन है वो अच्छा बाउंस पिचेस मिले तो फिर वो मारते हैं, जब वो नी हाइट से नीचे बॉल होगा तो हिट मारनी वैसी मुश्किल हो जाएगी जी। तो वो हार तो एक तरफ रखें, बांग्लादेश में तो वो किसी को भी लिटा लेते हैं लेकिन ये जो अभी हम पिचेस देख रहे हैं, अब ये पिच का बिहेवियर नज़र तो आ रही है कि इसके ऊपर रन्स बन सकते हैं बट वो जैसे शुरू होगी तो फिर पता चलेगा। अगर तो बांग्लादेश के पास एक ही चांस है कि वो ऊपर से एक आधी विकेट मिल जाए और फिर उनके जो स्पिनर्स हैं अगर तो ग्रिप करे बॉल और थोड़ा सा लो बाउंस हुआ तो उनमें ऐसी है क्लास कि वो उनके स्पिनर्स में कि वो बीच में डैमेज कर सकते हैं। एक ही है कि 250-60 के ऊपर वो आउट कर दें उनको, अगर वो 50 ओवर खेल के फिर तो नहीं इतना होना, ऐसे ही कल हम बात कर रहे थे, या तो वो करेंगे या तो वो 230-40 भी आउट हो जाएंगे या वो करेंगे 350। 350 करना
बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल टास्क। ऐसे ही जो उनकी प्रॉब्लम वही हमारी है, उनमें भी कोई ऐसा पावर सेम डीएनए है उनका भी, वही उसी तरह का डीएनए, उसी तरह की अप्रोच है, उसी तरह की बॉडीज है। अगर हाइट, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हाइट अगर छोटी है तो मसल बनाने में, स्ट्रेंथ लाने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक ना, उन्होंने सीखा ना हमने सीखा, हमारे भी फिटनेस स्टैंडर्ड वही है। बट जिस तरह से साउथ अफ्रीका अब वो उस तरह से रिलैक्स नहीं होंगी, क्योंकि उनको पता है कि जो नेदरलैंड ने उनके साथ किया है, और अब ये उस फेज में इनका टाइम आने वाला है कि दो तीन मैचेस के बाद इनका फैसला भी होना है कि इन्होंने क्वालिफाई करना है या नहीं करना, कहीं वहाँ क्रूशल आ गए तो वहाँ गलती कर सकते हैं जी। तो इसलिए इनको एक एक मैच अब बहुत केयरफुली खेलना है। बट आई लाइक देयर एटीट्यूड कि इस गेम को उठाना है, इस गेम की नहीं, इसमें तो वो जिस रेंज को बढ़ाना है। हाँ, ब्रांड की क्रिकेट वो खेले साउथ अफ्रीका, वो दुनिया को बता रहे हैं कि आप क्रिकेट इस लेवल पर। अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना कि ये जीत रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, मुझे एक चीज बताएं कि लास्ट इन्होंने जो अच्छी ऑपोजिशन से कब खेला है, मुझे ये याद पड़ता है इंग्लैंड आई थी टेस्ट खेलने, 3-0 उन्होंने इनको रोल के रख दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी गेम ये खेल रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे, वो छत पे ले गए, ऐसे ही ये पहुंच ही नहीं सके। उसके बाद तो कोई ऐसी सीरीज नहीं इन्होंने खेली कंपेटिटिव। आप देखें ना, ओडीआई सीरीज ये रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज करते हैं, जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जीती, बट उनके 6 प्लेयर तो वापस चले गए थे, वो तो सी टीम थी। इसी तरह न्यूजीलैंड से जीते तो वो सी टीम थी, ऐसे ही। ये तो सारा ना देखो बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। आपकी कंपेटिटिव क्रिकेट हुई है इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, उसके बाद एशिया कप। Yes. एशिया कप में आपने इंडिया से खेला दो दफा, और आप नजर ही नहीं आए कि आप ग्राउंड में भी आए हैं कि न्यूजीलैंड से भी टेस्ट सीरीज उनकी कंपेटिटिव हुई, अब नहीं जीत सके, बड़ी मुश्किल से सेव किया। अब उसकी सरफराज की दोनों मैचेस में शानदार इनिंग्स की बदौलत आप बचे, ठीक है ना। तो आपने टफ क्रिकेट खेली नहीं है, आपने खुद को भी समझा कि हम चैंपियन है। अगर ये टीम अगर ये मानती है असल में कि ये नंबर वन टीम है ओडीआई की, तो मैं तो नहीं मान सकता जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी ओपिनियन, ओबियसली आप बॉलर भी हैं और हेड कोच के तौर पे भी लॉर्ड कंदर को भी देख रहे हैं कोचिंग में, माशाल्लाह आपसे ज़्यादा किसी का एक्सपीरियंस नहीं पाकिस्तान में। ये फिर भी देखा जाए तो सारे लड़के सम हाउ परफॉर्म जिस तरह भी था कर रहे थे, और चले एक नसीम शाह के निकलने से बेस्ट बॉलिंग लाइनअप तो सारी दुनिया मानती ही थी। अब ये क्या रीज़न हो गया कि आपका स्पिनर भी विकेट नहीं ले पा रहा? अगर इन विकेट्स पर नहीं ले पा रहा तो कब लेगा? फास्ट बॉलिंग की बात करें तो शहीन एक मैच में 5 लेते हैं, एक पे विकेट लेस रहते हैं, एक या एक विकेट लेते हैं। हसन अली की कोई समझ नहीं आ रही, एक मैच में 2-3 आउट किए, उनका ना पेस नज़र आ रहा है ना वो एनर्जी नज़र आ रही है। हारिस रऊफ मैच को दूसरी तरफ फेंकते हैं पहले ओवर में ही, कभी 17 खा रहे हैं, कभी 24 खा रहे हैं। कम बैक के लिए आते हैं तो हमें लगता है कि शायद आप कुछ करेंगे, जब विकेट स्प्रेड होती है तब भी नहीं विकेट बॉलिंग। ये क्या सडन वो किया है, ये पूरी का पूरा सिस्टम हमारा बॉलिंग का कलेप्स कर गया। देखिए, इनको असल में हर्ट किया है श्रीलंका ने, जो 2.5 महीने उधर इन्होंने गुजारे। इनका कोई प्लान नहीं था इस वर्ल्ड कप को लेके, ना एशिया कप को ले, क्योंकि देखिए जो आप शहीन की मैं हालत देख रहा हूँ, ये शहीन ऐसा नहीं है, इज़ फटीग्ड, इज नॉट 100% फ्रेश और फिट। जब आपका जो मेन बॉलर है जिसने स्ट्राइक करना है वो एनर्जी में लो है, और आपका कोई, देखिए उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को प्रिजर्व किया, ऐसे ही किया ना कि हमने वर्ल्ड कप के लिए ये हमारा एक मेन बॉलर है। इसी तरह मिचेल स्टार्क को उन्होंने किया। आपने क्या किया? आपकी तो लड़ाइयाँ यही चलती रहती हैं कि एनओसी मिली एनओसी नहीं मिली जी, उसको भेज दो, उसको रोक दो। आपने सी टीमें भी हैं उन, आपने क्योंकि नंबर वन बनना है ना उनकी वो क्यों नहीं भेज रहे थे अपने मेन प्लेयर? हाँ। रीजन बता, होगी ना कोई ना कोई। बिल्कुल ठीक बात, यार उधर जाना रहने दो। वो क्या कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले? अपनी वो ऑप्शंस को ट्राई कर रहे थे जो जिन्होंने नहीं, जिन्होंने उनको वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट करना था या डाउट था। हम क्या कर रहे हैं उनके अगेंस्ट? अपना जो चैंपियन बॉलर वो खिलाए जा रहे हैं, अपने जो बेस्ट, अब बाबर साहब ने वही मैच भी खेलने हैं, कोहली नहीं करता। अभी उन्होंने वेस्ट इंडीज टीम भेजी, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने कहा यार हार जो, हम हमारे लिए कोई सीरीज हार जीत को अहमियत नहीं रखती, बिल्कुल ऐसे। हमने वहां देखना है कि कौन सा एक प्लेयर है जिसको हम आगे वर्ल्ड कप में या एशिया कप में लेकर आएंगे। ये तो डे टू डे अफेयर में फंसे हुए हैं। ये ब्रीदिंग, एक महीना गुजर गया,
शुक्र है, चेयरमैन का भी यही हाल है कि महीना गुजर जाए, चलो यार एक महीना और मैं चेयरमैन हूँ। हाँ। बाबर भी साहब भी यही कह रहे हैं, मैं यूएई में फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंच के मैं बच गया। हाँ जी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में फाइनल में पहुंच के बच गया। अभी जो श्रीलंका में मैच हुआ एशिया का, वहाँ बुरी तरह पिटे, उनका यार यहाँ आके कोई ऐसा करके सेमीफाइनल तक चले जाए ना, जब आप हर्ट होना बंद कर दें, जब आपकी गैरत सो जाए, बिल्कुल ऐसे ही, तो आपकी गेम खत्म हो जाती है। और जब टाइटल आपकी नजरों से हट जाए कि मेरा एम जो टाइटल है, तो फिर आप हम तो सेमीफाइनल या फाइनल उसमें आके एक एक महीना घरों में छुप जाते थे, शर्म आती थी, लोग मारते थे, लोग गालियां देते थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम आहिस्ता आहिस्ता टीम हो रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये इस काबिल नहीं है, अब इनसे इनको इतनी सख्ती ना करो। और इसका आके भाई सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये गेम से जो लोगों का प्यार है, अफेक्शन है, और अब ये देखें ना, सारे लोग ना फिर उस कंफ्यूजन में जाना चाह रहे। देखें, ख्वाहिश से चीजें नहीं ठीक होंगी, हमको एक दिन आए हमारे स्टेबिलिटी आ, जो भाई स्टेबिलिटी के लिए एक एक्शन लेना पड़े, वो एक पॉइंट, एक दो तीन चार पॉइंट है, ये कोई साइंसदान नहीं आपको चाहिए, बिकॉज दे डोंट नो द सिस्टम। एक जब से ये प्राइम मिनिस्टर के नीचे आई है चेयरमैनशिप, ये मजाक बन गई। ऐसे ही अकबर भाई, इसमें हमने बड़ी बात की और करते रहेंगे, सारा मकसद जो है कंस्ट्रक्टिव ये क्रिटिसिज्म का यही है कि चीज़ें बेहतर हों और पाकिस्तानी क्रिकेट फ्लरिश करे। अभी आपसे ज़्यादा चाहते हैं जी, इंशाल्लाह मिड ब्रेक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।